चढ़ेगा, वो चढ़ेगा नहीं, सूख गया, बेकार हो गया है, और बेकार हो गया वो चढ़ेगा नहीं ठाकुर के चरण में। कहते उसी तरह प्रहलाद कहते बच्चों भक्ति बचपन से करनी चाहिए, बचपन से भगवान की भक्ति की आदत डालो, तब अंतिम समय में प्रभु का चरण आएगा। देख तुम हो कितना उम्र हो गया तुम्हारी, हाँ 17 17 है। देखना तुम सोचो यहाँ ठाकुर के पास में बैठे कर 10 मिनट की भजन करेंगे, देखना 1 मिनट भी तुम्हारे मन नहीं लगेगा। जितने पहले दोस्त दिए होंगे ना, जितने फ्रेंड होगा तुम्हारे, आंख बंद करके सारा दुनिया तुम्हारे दिमाग में चल जाता है, चलो ठाकुर को छोड़ दो सारा दिया है। क्यों इतने अभी 20-17 साल के इसी उम्र में भी मन नहीं लगता है? क्योंकि जो रील है ना, वो रील में जो भरा होगा ना वही तो निकलेगा ना, रील में जो भरोगे यही तो निकलेगा। हम रील में सारी दुनिया कचरा भर दिए सब के सब, फिर कचरे भर दिए तो प्रभु कहाँ से आएंगे? अगर प्रभु का भरेंगे तभी तो प्रभु आएंगे ना, इसलिए प्रभु का भरो तो प्रभु आएंगे, इसलिए प्रभु कहाँ से आएंगे? इसलिए प्रहलाद कहते बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से शुरू करो। तो उन्होंने एक बढ़िया लास्ट एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया, बड़े बढ़िया अच्छे एग्जाम्पल लास्ट उन्होंने दिया है। बोले देखो बच्चों तुम कहते हो ना बुढ़ापा उम्र में भक्ति करेंगे, बोले हाँ। बोले देखो तुम्हारी 100 साल की मैं हिसाब देता हूँ, 100 साल का। बोले मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा, हाँ। बोले दिन आधा रात आधा, आधा रात आधा दिन, इसलिए आधा रात को तो 100 सौ चली जाती, आधा दिन रह गया मतलब 50 साल खत्म हो गया, फिर 50 साल बाकी रह गया। तो 50 साल में जो बचपना होता है व्यक्ति का, बचपना मतलब बच्चे समय में खेलना कूदना भागना, फिर 10 साल तक बच्चे भागते कूदते सब करते, पर 50 और 10 हो गया 60 चला गया, अभी 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करना, कोई अच्छा जैसे इंजीनियर बनो, PhD करो, डॉक्टर बनो, CA करो, कुछ कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ोगे, 20-25 साल लगेगा, 25 साल तक पढ़ते पढ़ते उधर हो गया 50 और इधर हो गया 25, कितना हो गया 75 हो गया, अभी बच गया 25। बोले 25 उम्र में कहते 80 साल से लेकर के 100 साल तक जो जीवन है, 80 से लेकर 100 साल तक जो जीवन होता है वो किसी काम का नहीं होता। बोले क्यों? आँख में देखना कम हो जाती, कान में सुनाई नहीं देती, कमर टेढ़ी हो जाती, बैठ जाओ तो उठ नहीं पाओगे, केवल शरीर 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 को चिंता करता हुआ आदमी, आज एक बीमारी कल दूसरे बीमारी फिर तीसरे बीमारी, अभी तो 100 साल जिंदा ही नहीं रहते। 100 साल आपका उम्र कितना हो गया? 72 हो गया, हाँ 72 हो गए, और 8 साल में कितना होगा कैसे होगा? इसलिए फिर तो उसको 20 साल ऐसे बीत जाती है, केवल सॉरी बीच में 5 साल बाकी रहते, 5 साल, 5 साल उम्र में बढ़िया करके कैसे लिखाई पढ़ाई करना, अच्छी कैसे कर नौकरी ढूंढना, फिर शादी करना, शादी करके बच्चों को बड़ा बनाना, फिर बच्चों को शादी करवाना, हाँ ऐसे करते 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 बस इसको इसकी चिंता करते 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 बस सब खत्म, जीवन पूरा ही पूरा खत्म। प्रहलाद कहता है देखो बच्चों अभी तुमको 100 साल का पहले मैंने हिसाब दे दिया, तो बोलते हो ना बूढ़े उम्र में भजन कर, बताओ कहाँ तुम्हारे पास में समय था, बताओ कहाँ समय? तब तो उन्होंने बताया देखो बच्चों हम क्या करते जानते हो, हम दूसरों को कैसे खुश करेंगे, हम वही कोशिश करते हैं दूसरों को कैसे प्रसन्न करेंगे, लेकिन देखो बच्चों इस जगत में तुम किसी को खुश कर ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति की जिंदगी भर तुम उस सेवा करो, उसको प्यार करो, ये करो, थोड़ी सी इधर उधर होगा ना वो बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किए, वो झट बोलेगा जिंदगी भर तुम किसके सेवा कर लो, जिंदगी भर किसको प्यार करो, थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगा तो बोले तुम मेरे लिए क्या किया है, गाली उल्टा सीधा देने लग जाएंगे उनको। बोले इस जगत में तुम किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, दुनिया में किसी को खुश, लेकिन भगवान कैसे? अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास में अगर केवल प्रभु को केवल ये मन ही दे दिया, ठाकुर उसमें खुश हो जाते, ठाकुर उसमें ही प्रसन्न हो जाते। ठाकुर जी द्रौपदी ने भगवान की अंगुल कट गई, थोड़ी उन्होंने बैंडेज कर दिया, कपड़ा फाड़ करके भगवान सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिले, कब उसकी ऋणी में चुका, इसकी ऋणी में कब चुकाऊं हैं? जब हरी सभा में दुशासन लाज ले रहा था भगवान वस्त्र बन करके प्रकट हो गए, इसलिए द्रौपदी, हाँ द्रौपदी को कह रही है, द्रौपदी उनकी पुत्रवधु को उत्तरा को कह रही है, बोले द्रौपदी कह रही, देखो कितनी अच्छी बात कहती है, बोले द्रौपदी कह रही है पुत्रवधु उत्तरा को, बोले देख बेटी अगर प्यार करना प्रेम करना ना कृष्ण को ही करो, मैंने स्वयं ये चीज को जांच करके टेस्ट करके देख लिया,
तो उसने पूछा क्या टेस्ट तुमने किया, देखो क्या कहती है। बोले मेरे पांच पांच पति है, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, भीमसेन सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, ये युधिष्ठिर भाला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, नकुल सहदेव तलवार युद्ध में उनके बराबर कोई नहीं था। पहले मैं बहुत अभिमान करती थी, मेरे पांच पांच पति, मेरी कौन क्या कर सकता है। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज पत्नी को दाव पर लगा दिया, द्रौपदी को हार गए, इतने में दुशासन उस केस पकड़ करके घिष्ट घिष्ट हुए भरी सभा में ले आए। बोले चल, और मैं बहुत हिकड़ रही थी, अरे मेरे पांच पांच पति क्या कर लोगे तुम। जब वहां पर आए, मैं जब पतियों की तरफ में देखा ना, सर नीचा करके बैठे, कोई कुछ बोल नहीं, कोई रक्षा नहीं कर रहे थे। फिर मैं सोचा यहाँ पर हमारे गुरुवर्ग बैठे हुए भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, उनको तरफ में देख रहे थे, सर नीचे करके बैठे हुए। फिर मैं अपना साड़ी को मैं स्वयं पकड़ करके खड़ी हुई, मैं बचा दूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लास्ट में मैंने दोनों हाथ जब उठा करके, जब कृष्ण को मैंने पुकारा, भगवान ही वस्त्र बन करके आए रखा की, बोले मैंने ये परख लिया, जगत में जब विपत्ति आएगा ना, बोलेगा आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, जब तक जेब में पैसा हो कैसे हो, पैसा गन तुम कौन हो, ये दुनिया है ना, ये दुनिया ऐसे। और जो लव है, जानते हो कहाँ से शुरू होता है, आई लव यू फास्ट यहीं से, फिर आई लीव यू, फिर आई लास्ट होता है आई किल यू। जगत का जो प्रेम है ना, ये जगत का जो प्रेम है वो लास्ट में किल यू, तो वहां भी जाकर पहुंचती है। इसलिए यहाँ पर कुंती कहती है उत्तरा को, मैंने ये चीज को परख करके प्रमाण करके तेरे को मैं बता रहा हूँ, ये जीवन की मेरी अनुभूति, विपत्ति आएगा तो यही बंसरी वाला साहब मदद करेगा, दुनिया में कोई मदद करने वाले नहीं, जो दिखता है ना मदद करने वाले, इसलिए हाँ, इसलिए हाउ आर यू, इसलिए कहते हैं लास्ट में हु आर यू बोलेंगे, हु आर यू बोलेंगे। इसलिए प्रेम करना तो किसको करो, भगवान करो, दुनिया में किसी को नहीं, भगवान करो, नहीं तो दुनिया सब धोखे देने वाले, फ्रेंड नहीं फ्रॉड सबके सब है, जिसको फ्रेंड कह रहे ना हम दुनिया में, हम बहुत को फ्रेंड नहीं फ्रॉड सबके सब है, ये फ्रेंड फ्रेंड कोई नहीं है, हाँ अपना मतलब को सब जानते हैं, अपना मतलब के हासिल करना, और जितना बड़े बनेगा उसको और ज़्यादा समझोगे, छोटे हैं ना, और ज़्यादा बड़े बनोगे तो ज़्यादा समझोगे, इसलिए ठीक है ना। इसलिए जितने जल्दी करो भगवान की भजन करो, और उल्टा सीधा चीज खाना नहीं, ठीक है ना, मांस मछली अंडा फंडा शराब फराब सिगरेट विगरेट ये सब चीज नहीं खाने का, और यहाँ तक भी प्याज लहसुन नहीं खाने का। इसलिए घर में जो खाना बनाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, ठाकुर जी को उस बच्चे से ठाकुर को भोग लगाओ, भगवान का प्रसाद खाने से कृष्ण गीता में कहते हैं आहार शुद्धे सत्व शुद्धि, जब आहार शुद्ध करोगे मन को सत्शुद्धि मिलेगी, और सत्व शुद्ध दुर्भाव स्मृति, जब तुम मन शुद्धि नहीं होगा तुम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अगर भगवान की प्रसाद खाओगे, कृष्ण गीता में कहते प्रसाद सर्व दुखानाम, प्रसाद खाने से जीवन का सब दुख खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए घर में एक काम करना, जो कुछ खाए पहले ठाकुर जी को भोग लगाए, ठाकुर जी को भोग लगाए। इनकी माताएं भक्ति करती कि नहीं, इसकी माताएं करती है ना, हाँ तो अच्छी बात, सब बर्तन और इन लोगों को दे दिया, बर्तन और उल्टा वाला सब दे, ठीक अच्छी बात है। इसलिए एक नियम कर लेना, सवेरे नहा धो करके ना सारे काम को पीछे रखना, सारे काम को पहले ठाकुर के सामने बैठ कर दो माला जप करना, दो ही माला जप करो पहले, ठीक है। जब तक दो माला जप नहीं करोगे खाना नहीं खाना, ज़्यादा समय लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा केवल, हैं। इसलिए पूरा पक्की नियम बनाना, कुछ भी हो जाए बोले जब तक मैं माला जप नहीं करूँगा तब तक खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि अंतिम समय में यही काम आने वाला है, हैं। तुम तो भारतीय लोग देखना, जब भारत कोई व्यक्ति मरते हैं ना कंधे पर ले जाते हैं अंतिम समय पर, राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य बोलते बोलते ले जाते हैं, मतलब जीवन में जितने प्रभु का नाम जप किया केवल वही सत्य है और सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं अंतिम समय में, जितने भजन किया वही सच्चा और जगत में सब झूठा है, हैं। इसलिए सब पहले सबरे बैठ करके भगवान का नाम जप करना, भगवान का नाम जप करने से शांति मिलती है और बुद्धि भी मिलती है, भगवान बुद्धि देते हैं और यही काम में आएगा और कोई काम में आने वाले नहीं, ठीक है ना। सवेरे नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठना, दो माला जप करना, और ये तुलसी माला पहननी चाहिए गले में, ये तुलसी की कंठी पहननी चाहिए, तुलसी कंठी की बड़े महत्व है, ये लकड़ी नहीं है। जब हमारे स्वामी महाराज जब इसको ने बनाया ना, जब वो अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, जो प्रभुपाद जब अमेरिका प्रचार करने के लिए गए थे,
तो वहाँ पर बोले गले में कंठी पहने, बोले हम लकड़ी क्यों पहनेंगे, वो तो अंग्रेजी लोग हैं, हम तो हिंदू जानते हैं तुलसी की पूजा परिक्रमा करनी चाहिए, बोले हम लकड़ी क्यों पहनेंगे, हमारे पास सोने चांदी है। तो उन्होंने बहुत प्रमाण दिया हमारा वेद पुराण से कि तुलसी क्या चीज़ है। तो वो अंग्रेजी लोगों ने अमेरिका में रिसर्च किया, ये हिंदू लोग ये लकड़ी क्यों पहनते हैं और ये पेड़ को पूजा क्यों करते हैं और ये पेड़ को परिक्रमा क्यों करते हैं, पानी देते हैं, देते हैं ना हमारे, बोले क्यों करते हैं अंग्रेज, ये भारतीय लोग क्यों करते, रिसर्च किया, रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कहीं मेडिसिन है तुलसी पूजा, इसने मेडिसिन और कहीं नहीं दुनिया में नहीं, इसलिए हमारे उड़ीसा में हमारे हमारे भारत में मेडिसिन मिलता है, उसका नाम तुलसी पावर है, इतना बड़ा बोतल मिलता है तुलसी पावर, उसमें इतना बड़ा पेपर रहता है, उसमें 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ, मतलब ऐसे कोई बीमारी नहीं जो ये तुलसी पत्ते से रस से सही नहीं होता है, टीबी कैंसर तक भी इसमें सही हो जाती है, मतलब तुलसी वृक्ष में इतने शक्ति है, रोज रोज जो तुलसी पत्ता खाएगा ना रोज सवेरे, कभी उसको कैंसर टीबी जिंदगी में कभी नहीं होगी, इतने शक्ति ये तुलसी वृक्ष में है, इसलिए एक सारे बीमारी पानी में एक बूंद छोड़कर खाओ शरीर का सारे रोग खत्म कर देती है, उसमें उसमें इतना बड़ा बोतल मिलती है भारत में इतना बड़ा, इसलिए तुलसी में सारे मेडिसिन सब के सब, इसलिए गले में कंठी धारण करो, इसे पानी डालोगे इसका टच करते हुए शरीर में जाएगा तो शरीर का सारे बीमारी को ही खत्म कर देती है। हम खाने के ऊपर तुलसी बता देते ना खाने के ऊपर क्यों, वो भी बहुत बड़ा के साइंटिस्ट कारण है, क्योंकि तुलसी में सारे जो बैक्टीरिया को उल्टा तो खत्म करने का शक्ति है, आप देखना चाहे तुलसी वृक्ष रहेगा ना उसका चारी तरफ में हवा जितने दूर का फैलाते रहेगा कोई बीमारी भी वहाँ नहीं पटकती, कोई बीमारी नहीं पटकती, इतने शक्ति है तुलसी वृक्ष में, हाँ इतने शक्ति है, इसलिए गले में जब तुलसी कंठी धारण करते हैं कि सारे मेडिसिन आ गई, और तुलसी लक्ष्मी है, ये नारायण को साथ में शादी कराती है, लक्ष्मी है, और तुलसी वृक्ष भी भगवान कृष्ण का निवास है, हैं कहते हम यहाँ पर क्यों पहनते, देखो कितना बड़ा साइंटिस्ट है, कितना बड़ा साइंस है, हम यहाँ क्यों पहनते, कहते शरीर का सबसे जो कोमल अंग ये कंठ है, जब शरीर में कोई भी गंदी चीज़ घुसेगा इधर से घुसता है, इसलिए बच्चों को ताबीज जो कुछ पहनाते हैं ना गले में टखिया गली यहीं पर पहनाते हैं, क्योंकि इधर से सब चीज़ घुसती है, अगर यहाँ पर तुलसी कंठी पहने हैं तो क्या हुआ, इसमें सारे मेडिसिन है, लक्ष्मी नारायण सब कुछ है, कोई भी गंदी चीज आएगा तो ये अंदर में घुसने नहीं देता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, हैं, और भगवान को जो कुछ भोग लगाओ तुलसी पत्ता के बगैर ठाकुर ग्रहण नहीं करते, इसलिए जब तक गले में कंठी नहीं धारण करते हैं शरीर ठाकुर का सेवा भी नहीं लगता, पवित्र नहीं होता है, जो कुछ बोलेंगे पवित्र बन करके निकलेगा, जो कुछ खाओगे टच करते हुए पवित्र करते हुए जाओगे, और जब महाराज उनको दूतों को बोले, बोले देखो जो प्रभु की भक्ति नहीं करते ना उनको मेरे पास में ले जाना, बोले मैं पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता पता कैसे चलेगा, तो एक बढ़िया उदाहरण थी, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कहते हैं कि पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता, पालतू कुत्ता कैसे पता चलता, गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते, और फालतू बिना पट्टे के जो रोड रोड घूमते हैं, इसलिए देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, समझ रहे हो, पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, मतलब है गले में कंठी बहनेंगे ना हम भगवान की पालतू, हमें कोई आँख नहीं उठाएगा, जमदूत भी आँख नहीं उठाएंगे, और गले में कंठी नहीं होगा ना सब फालतू है, फालतू समझती हो ना बेकार है, इसलिए फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, हाँ पालतू, भगवान की पालतू है बननी, ठीक है ना, हाँ इसलिए गले में सब तुलसी माला जैसे पिताजी धारण किए ना घर में तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए, क्योंकि बहुत पवित्र वस्तु है, बहुत पवित्र वस्तु है, ठीक है प्रभु जी, बच्चों को सब भजन में लगा, हाँ उनका बच्चा भाई।